हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। इसने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट हम इन्वेस्टरों के सामने पेश कर दिया है और इसके जो रिजल्ट आए थे वो सैटरडे को आए थे और सैटरडे को मार्केट बंद रहता है, इसलिए इसके जो रिजल्ट पर प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी मार्केट की वो हम लोग मंडे को देख पाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इप्का लेबोरेटरीज के फिनेंशियल ओवरव्यू को चेक करेंगे और इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे देखने को मिले हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग ने एक वीडियो अपलोड किया था तकरीबन 25 अक्टूबर को, उस वीडियो के कुछ पोर्शन को भी हम लोग चेक करेंगे कि उस वीडियो में हम लोगों ने क्या एस्टिमेट्स लगाए थे और इनके जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं उस एस्टिमेट्स को वो मीट करते हैं कि नहीं, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद इस वीडियो के अंत में हम लोग इप्का लेबोरेटरीज के टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट के हिसाब से इप्का लेबोरेटरीज के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं, उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इप्का लेबोरेटरीज के फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, इप्का लैब के जो मार्केट कैप है उसकी बात करें तो ये तकरीबन 29,643 करोड़ देखने को मिल रहे हैं और इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ये 2460 रुपये देखने को मिल रहा है, जबकि इसका वर्तमान भाव 2337 रुपये देखने को मिल रहा है। यानी कि ये शेयर अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक लो 1051 रुपये देखने को मिल रहा है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखा जाए तो ये 17.6 देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.4% देखने को मिल रहा है, जो कि और भी अच्छा है। और अगर इसके डेट इक्विटी की बात करें तो ये 0.08 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 96.2 टाइम्स देखने को मिल रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इप्का लेबोरेटरीज के जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम लोग इसके जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट इसके कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग इप्का लेबोरेटरीज के क्वार्टर टू और हाफ ईयर इंडेड रिजल्ट को देख रहे हैं और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है इनका। अब हम लोग सबसे पहले इनके जो रिजल्ट हैं क्वार्टरली रिजल्ट, उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, फिर वाई ओ वाई बेसिस यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मिलान करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इप्का लेबोरेटरीज ने सितंबर क्वार्टर में 1376 करोड़ का नेट सेल्स रिपोर्ट किया है, जो कि जून क्वार्टर में ये 1548 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो इस हिसाब से इनके नेट सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तकरीबन 11% का डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम लोग इसको ईयर ऑन ईयर मिलाए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो नेट सेल्स था वो 1298 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें तकरीबन हम लोगों को 6% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसके रिजल्ट को हाफ ईयर इंडेड बेसिस पर अगर मिलान करें तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर में इप्का लेबोरेटरीज 2923 करोड़ का नेट इनकम रिपोर्ट की थी, जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये 2397 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो हाफ ईयरली बेसिस में इनके जो नेट इनकम है उसमें तकरीबन 22% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके जो रिजल्ट आए हैं उस आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनके रिवेन्यू में 11% का गिरावट देखने को मिल रहा है, जबकि इनके जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके रिवेन्यू में
6% का जंप देखने को मिल रहा है और हाफ ईयरली बेसिस पर इनके रेवेन्यू में तकरीबन 22% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सेम पीरियड में अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पर ध्यान डालें तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सितंबर क्वार्टर में इप्का लेबोरेटरी 266 करोड़ का इनकम रिपोर्ट की है, जो कि जून क्वार्टर में ये 445 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 40% का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये काफी बड़ा डिग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो लास्ट ईयर ये सितंबर क्वार्टर में 193 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 46% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट को हाफ ईयरली बेसिस पर मिलान करें तो ये सितंबर क्वार्टर में 712 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किए, जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये 322 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर अगर इनके हाफ ईयरली रिजल्ट को ग्रोथ की बात करें तो इसमें इनके नेट प्रॉफिट में 61% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके जो रिजल्ट आए हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें तगड़ा डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके जो रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हाफ ईयरली बेसिस पर भी इनके जो नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों अब हम लोग जो पुराने वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए थे 25 अक्टूबर को, उसके कुछ पोर्शन को देखते हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने क्या एस्टिमेट लगाए थे। उसके बाद फिर हम लोग अभी जो इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं उस पर चर्चा करते हुए इसके टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे और फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में क्वार्टर टू के रिजल्ट के आधार पर इसके शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए दोस्तों उस पुराने वीडियो के कुछ पोर्शन को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या एस्टिमेट लगाए थे। कि जो इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे वो काफी बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं। तब दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट में चलते हैं और इसके टेक्निकल चार्ट को देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में जो इप्का लेबोरेटरीज के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं, उसको हम लोग अब एनालाइज करेंगे। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग इप्का लेबोरेटरीज के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं और ये डेली चार्ट है। अगर डेली चार्ट में दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखें, ये नीचे जो रेड लाइन में आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन ऊपर देखने को मिल रहा है ये इसका ट्रेंड लाइन है जो कि इसका मेजर रेसिस्टेंस दिखा रहा है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि लंबे समय में इप्का लेबोरेटरीज बुलिश ट्रेंड में, ये आप जैसा कि देखिए लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ये जो चैनल हमने बनाया है ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में, इसके बीच में ही इस चैनल के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इप्का लेबोरेटरी 2175 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और ये यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इसने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को 2056 पर यहां से बाउंस बैक दिया है और ये ऊपरी स्तरों को जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिर जाएगा या इसे ऊपर जाने की चांस इसकी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर को देखें दोस्तों तो ये जो रेड लाइन है ये 200 EMA है, ये येलो लाइन 100 EMA है और ये ग्रीन लाइन है ये 50 EMA का टेक्निकल चार्ट है, इंडिकेटर है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि
इपका लेबोरेटरी इन तीनों इंडिकेटर से ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने पाया है कि इपका लेबोरेटरीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट काफी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर टू के भी रिजल्ट इसके शानदार रहेंगे। और अगर इस हिसाब से दोस्तों अगर हम लोग इसके प्राइस टारगेट को लगाने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ तक इसके प्राइस में हम लोग बढ़ोतरी देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि 2400 का स्तर हम लोगों को यहाँ पर आने वाले दिनों में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये इसके टेक्निकल चार्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पुराने वीडियो में अभी जस्ट देखा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि अगर इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट इपका लेबोरेटरीज के अच्छे आएंगे तो ये स्टॉक जो है ये 2400 के स्तर को पार करता हुआ हम लोग देख पाएंगे, ऐसा हम लोगों ने इस्टीमेट लगाया था। अब अगर हम लोग उस लेवल की बात करें कि जब वीडियो अपलोड किया गया था तो किस स्तर पर इपका लैब ट्रेड कर रहा था, तो दोस्तों वो ये लेवल था, ये तकरीबन 2175 रुपये के आसपास इपका लेबोरेटरी उस समय ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसमें काफ़ी जो है तेजी बनते हुए दिखी और हम लोगों ने जो ये ग्रीन लाइन से इनके रेसिस्टेंस को बनाया था ये लगभग उन स्तरों से ऊपर जा कर के तकरीबन 2471 का हाई लगाया। उसके बाद इसमें फिर से गिरावट देखने को मिली और वापस ये अपने जो ये चैनल हम लोगों ने बना रखे हैं ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में, ये इस चैनल को ऊपरी लेवलों पर छू करके वापस ये नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वार्टर टू के रिजल्ट से ये पाया है कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बेहद खराब देखने को मिले हैं, लेकिन इनके जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, हाफ ईयरली रिजल्ट में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। फिर भी हम लोगों ने जो पुराने वीडियो में एस्टीमेट लगाए थे कि 2175 के लेवल से ये स्टॉक 2400 लेवल को ये देख चुका है और चूंकि इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट खराब देखने को मिले हैं तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इपका लैब यहाँ से कंसोलिडेशन में जाता हुआ हम लोग देख पाएंगे, ऐसा हम लोग इसके अभी तक के क्वार्टर टू के रिजल्ट के हिसाब से ये अनुमान लगा सकते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है वो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तभी पता चल पाया कि हम लोगों के अनुमान कितने सही साबित हो पाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में दोस्तों बोला जाए कि इपका लेबोरेटरीज में क्या करना चाहिए, तो दोस्तों अगर किसी भी तरह से इस शेयर में बिकवाली आती है और ये स्टॉक वापस से अगर 2146 या 50 के लेवल पर जाता हुआ दिखता है तो इन लेवलों पर हम लोग को खरीदारी करके इस स्टॉक में चलना चाहिए, क्योंकि इसके हाफ ईयरली और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इसमें किसी तरह की बिकवाली आती है तो ये हम लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा कि हम लोग इसमें निचले स्तरों पर निवेश कर सकें। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, आप लगातार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं इसके लिए आप सभी का शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें, मैं आपके लिए लगातार अच्छे शेयर की जानकारियाँ लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के सामने और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।